एवरीवन, मैं हृतु मिर्चल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो आपके पसंदीदा फेमस डॉगी स्टाइल पोजीशंस के वेरिएशन के बारे में है। दोस्तों, मैंने बहुत सारे वीडियोस में एक्सप्लेन किया है कि कैसे एक डॉगी स्टाइल पोजीशन जो होता है वो आपके सेक्सुअल प्लेजर को इन्हांस करता है, कैसे आपके सेक्सुअल लाइफ में एक इंथू को क्रिएट करता है, कैसे आप इससे प्लेजर हासिल कर सकते हो। पर दोस्तों, एक ही पोजीशन में करने से ना कभी कभार हम बोर हो जाते हैं। ये ही प्लेजरेबल पोजीशन हमारे लिए यूज्ड हो जाते हैं। हर पोजीशन के अपने वेरिएशंस होते हैं, इसीलिए आज का जो वीडियो है वो डॉगी स्टाइल के ही 5 ऐसे वेरिएशन के बारे में है जो आपके सेक्सुअल लाइफ में एक अलग सा ही एंथुसियाज्म ऐड कर देगा। सो वीडियो को लंबा ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। वेरिएशन होता है वो है टर्टल वेरिएशन। इस वेरिएशन में क्या होता है, फीमेल पार्टनर का जो फेस होता है वो बिल्कुल बिस्तर से लगा होता है, उनका जो बैक पोजीशन होता है वो मेल पार्टनर के प्राइवेट ऑर्गन के पास होता है। बहुत बार फीमेल्स लेजी होती है, वो उठना नहीं चाहती, या फिर बहुत बार ऐसा होता है कि फीमेल बहुत ज़्यादा फैट है, तो उस केस में भी ये वेरिएशन उनके लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। बहुत बार फीमेल लेट ही होती है, मेल पार्टनर को रात को आधी रात को करने का मन करे, अर्ली मॉर्निंग को करने का मन करे, आप नींद में हो, तो उस केस में भी ये वेरिएशन आपको काफ़ी मदद करता है, जिसमें आपका जो चेहरा होता है वो बेड के एकदम सपाट में लगा होता है, बट आपका जो बैक सेक्शन होता है वो अपने पुरुष के पास होता है, जहाँ पे वो कुछ भी करे, अपनी मर्जी से करे। ये वेरिएशन आपके लिए बहुत ही काम का आने वाला है। इसको टर्टल वेरिएशन कहा जाता है, जो डॉग स्टाइल का एक बहुत अच्छा वेरिएशन है। दूसरा वेरिएशन होता है वो है बुलडॉग वेरिएशन, और आप नाम से ही समझ सकते हो कि ये बुलडॉग जैसा है, जहाँ पे उनके दोनों हाथ बिल्कुल डॉगी स्टाइल में होते हैं और पैर भी उसी पोजीशन में होता है। और यही जो वेरिएशन होता है वो कपल सबसे ज्यादा ट्राई करते हैं, और दिमाग में भी यही वेरिएशन सबसे पहले में आता है जब वो डॉगी स्टाइल के बारे में सोचते हैं। इस वेरिएशन में एक खासियत ये होती है कि मेल और फीमेल पार्टनर दोनों अपने आप को बढ़िया तरीके से सपोर्ट दे पाते हैं, फ्रिक्शन के दौरान भी और स्टिमुलेशन के दौरान भी। और इस वेरिएशन में मेल पार्टनर जो होता है वो फीमेल पार्टनर के दूसरे प्राइवेट ऑर्गेन्स को टच कर पाता है, स्टिमुलेट कर पाता है, और बॉडी को अच्छे से बैलेंस भी कर पाता है। और फीमेल और मेल दोनों ही इस वेरिएशन में ही सिर्फ परफॉर्म कर पाते हैं एक साथ। तीसरा जो वेरिएशन होता है वो है फ्रॉग स्टाइल वेरिएशन। दोस्तों, फ्रॉग स्टाइल वेरिएशन में एक खासियत ये होती है कि पुरुष और महिला दोनों ही थोड़े से बैठे होते हैं, पुरुष भी अपने घुटने के बल थोड़े से बैठ जाते हैं, और फीमेल पार्टनर भी एक फ्रॉक कैटेगरी में अपने दोनों पैरों को फोल्ड करके डॉगी स्टाइल में ही बैठ जाते हैं, जिस केस में उन दोनों के लिए एक सपोर्ट मिल जाता है, उनको थकान जल्दी नहीं आती, और बिल्कुल लाइट तरीके से वो पेनिट्रेट कर पाते हैं। चौथा जो वेरिएशन होता है वो है ट्विस्टोडॉग वेरिएशन। इस वेरिएशन में क्या होता है, फीमेल पार्टनर किसी भी चीज के ऊपर बैठी नहीं होती, वो ऐसे शेप में होती है, यानी कि उनके दोनों हाथ तो बेड के ऊपर या किसी भी चीज के ऊपर होते हैं, बट उनके पूरा पैर जो होता है ऐसे स्ट्रेट होता है, यानी कि वो ऐसे स्ट्रेट पोजीशन में पैर में होते हैं, और बॉडी जो होती है ऐसे बैलेंस करके नीचे की तरफ आती है, और इस तरीके से ही मेल पार्टनर पेनिट्रेट करते हैं। इस वेरिएशन में मेल और फीमेल पार्टनर दोनों को ही एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ और एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत होती है दोस्तों। और ये जो मैं डॉगी स्टाइल के वेरिएशन की बात कर रही हूँ, इन सारी वेरिएशन को ट्राई करने के लिए, आप कोई भी पोजीशन को ट्राई करने के लिए दोस्तों, एक चीज का ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मेल पार्टनर का जो इरेक्शन है वो लूज ना हो जाए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि एक पोजीशन को ट्राई करने के बाद जब वो दूसरे पोजीशन में अपने आप को स्विच करते हैं, मैं वेरिएशन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पोजीशन की बात कर रही हूँ, जब वो स्विच करते हैं तो उस दौरान उनका ढीला हो जाता है, और जिस केस में ना वो फिर वेरिएशंस को ट्राई करना पसंद नहीं करते, या फिर चेंज करना पसंद नहीं करते, एक ही वेरिएशन में या फिर एक ही पोजीशन में करके वो पेनिट्रेट करके फिर चीज़ें ख़त्म कर देते हैं, यानी कि उनके सेक्सुअल लाइफ में कोई इंथू नहीं होता। इस केस में दोस्तों, ऐसे ही चीज़ों को नेग्लेक्ट करने के बजाय मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ, या फिर डॉक्टर्स ही सजेस्ट करते हैं कि आप अपनी सेक्सुअल हेल्थ को प्रमोट करो, अपने सेक्सुअल हेल्थ पे ध्यान दो, आप काउंसलिंग करवाओ, डॉक्टर से सजेशन लो। अगर आपको ढीलेपन की शिकायत हो रही है कि आपका अच्छे से खड़ा ही नहीं होता या फिर बीच में ढीला हो जा रहा है, तो इस केस में आप आयुर्वेद का सहारा ले सकते हो। आयुर्वेद में दोस्तों हर चीज़ का इलाज आज के डेट पे संभव है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूँगी। अगर आपको जल्दी गिरने की समस्या
होता है, आपका बहुत ही जल्दी गिर जाता है। बेड पे आप बिल्कुल भी लंबा नहीं टिक पाते हो, ना आप खुद सेटिस्फाइड हो पाते हो, ना आप अपने फीमेल पार्टनर को सेटिस्फाइड कर पाते हो, तो आप जो स्टिक कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हो। ये एक ऐसी आयुर्वेदिक सप्लीमेंट है जो तेजी से आपके जल्दी गिरने की समस्या को ठीक करने में मदद करता है। इसमें अश्वगंधा, सफेद मुसली, अकरकरा, शतावरी, कंच बीज, शिलाजीत, सलाम पंजा, गोक्षुरा, काली मुसली, तिवांग भस्म और लौह भस्म जैसे इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं जो आपके जल्दी गिरने की समस्या को तेजी से सॉल्व करने में मदद करता है और साथ ही साथ ये आपके हाइपर सेंसिटिविटी को भी रिड्यूस करने में मदद करता है। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके लिंक मिल जाएगी, आप चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज स्क्रीन पे जो नंबर है उस पर कॉल करके भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों ये जो वेरिएशन है ट्विस्ट टॉप वेरिएशन, इसको आप जनरली बेड पे ना करके आप बेड से उतर के भी कर सकते हो, जिसके इसमें आपका जो फेस होता है और ये जो बॉडी होता है पेट से लेके आपके फेस तक, इसको आप बेड के साथ लगा के फिर आप इस वेरिएशन को ट्राई कर सकते हो। इस केस में कभी कभार ऐसा होता है कि पुरुष को पेनिट्रेट करने में काफ़ी आसानी हो जाती है, वो अपने प्रॉपर साइज को फील कर पाते हैं और पेनिट्रेट कर पाते हैं। बहुत बार बेड के ऊपर नहीं, बेड से नीचे उतर के भी जेक्स किया जा सकता है। और कुछ लोग इस टाइप के वेरिएशन को टेबल ऑन टॉप भी कहते हैं। एंड लास्ट वेरिएशन है स्टेयरवे वेरिएशन। कुछ कपल होते हैं जिसको ये सीढ़ी के ऊपर करते हैं, उस केस में मेल पार्टनर जो होते हैं वो फीमेल पार्टनर के बैक साइड को, बैक हिस्से को अपने हाइट और अपने साइज के हिसाब से एडजस्ट करते हैं। और ये जो लास्ट का वेरिएशन होता है ना, ये डॉगी स्टाइल का वो वेरिएशन है जहाँ पे आप इसको कंपोज करते हो अपने तरीके से। तो दोस्तों डॉगी स्टाइल मतलब सिर्फ यही है नहीं है कि आप अपने फीमेल पार्टनर को डॉगी बना के ही करो, बल्कि डॉगी स्टाइल के अलग अलग वेरिएशन होते हैं, आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। इंटरनेट आपके लिए भी है, आप चाहो तो और भी वेरिएशन को देख सकते हो और अपने सेक्सुअल हेल्थ को, अपने सेक्सुअल लाइफ में एक एंथू को क्रिएट कर सकते हो, ऐड ऑन कर सकते हो। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करो, शेयर कर सकते हो और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। थैंक यू, बाय बाय।